tiene que expresar ya. जो दगाबाज धोखेबाज गद्दार किस्म के लोग थे जो पार्टी के हितैषी नहीं थे तो सत्ता के माध्यम से सत्ता की आड़ लेकर के लूट मचाने वाले लोग थे वो पहली दफा नहीं गए हैं कई दफा पहले भी चले गए थे और जब सकारात की बनती दिखाई दी तो फिर आ गए थे अब के वो राज की मौज लूटने के लिए चले तो गए लेकिन उनकी प्रवृत्ति बहुत हो रही है मैंने तो अखबारों में पढ़ा टीवी में देखा जुलाने का हमारा विधायक था परमिंदर सिंह ढुल हमारी पार्टी में शामिल हुआ पार्टी ने उसकी मदद करी एमएलए बनाया पार्टी बच्चे पदों पर उसको बिठाया सम्मान दिया विधानसभा में भी जब हमारी पार्टी विपक्षी दल थी उसको डिप्टी लीडर पार्टी का बनाया था उसको पूरा सम्मान दिया जाता था वो स्वार्थ के वशीभूत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का जलसा था उसके हल्के में वो जैसे हमारी पार्टी में चौधरी बन के आता था उसी हिसाब से चौधरी बन के वो उनके मंच पर जा बैठे और बीजेपी वालों ने उसे जूतियों से पीट के नीचे यही हालत फतेहबाद के एमएलए की भी जो लोग गए हैं तो बहुत अपमानित हो तो राज की मौज रोकने के लिए गए थे अब टिकटों की दौड़ चल रही है मुझे नहीं लगता जो आपके संगठन को छोड़ के गए हैं उन्हें कोई दूसरी पार्टी टिकट मिलेगी और उनके 100% अब ये जची हुई आपके हमारे जचे या ना जचे उनके तो जचगी के अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनी और राज की मौज रोकने के लिए फिर से पार्टी में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने अब एक फैसला किया कि हम दगाबाजों को धोखेबाजों को गद्दारों को हम दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करेंगे मैंने पहले भी आपसे कही थी आज फिर दोहरा रहा हूं कि वो आपके माध्यम से फिर पार्टी में शामिल होने का प्रयास करें तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उनकी सिफारिश लेकर के मत आए लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का और देश का ये रहा कि आपकी मेहनत से पौधा जो फल देने लगा लुटेरे वर्ग के लोग उसके फल को लूट के लेंगे नए सिरे से फिर कोशिश करनी आपको लोकसभा के चुनाव से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पता नहीं क्या सोच करके लोगों ने कैसे वोट दिए वो उसमें नहीं करना चाहते पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देश के लोगों को एक सबज बाग दिखाया था कि हमारी सरकार बना दो सरकार बनने के बाद विदेशी बैंकों में तो बड़े उद्योगिक घरानों का पैसा जमा है वो
सारा पैसा हम इस देश में लाए और आंकड़ों के साथ वो बताते थे तो इतना पैसा है कि हर व्यक्ति के बर्थडे 15 लाख रुपए आए। अब एक पर्ची के बदले 15 लाख रुपए मिलते हो किसका मन नहीं करेगा? लोग बैठ गए, गुमराह हो गए, सरकार उनकी बन गई और सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने वायदे थे क्या पूरे किए? 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने की बजाय जो पीटीओ का कुछ पैसा लोगों के पास जमा था या बैंकों में जमा था, ऐसे कानून बनाए कि वो सारा पैसा भी बंद हो गया।